हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो दोस्तों, ये प्रेस है और इसका कॉइल लग रहा कि उड़ गया है। अगर आपके पास कॉइल नहीं भी हो, इसी कॉइल को कैसे मरम्मत करें, कैसे दुरुस्त करें, तो देखिए मैं इसको दुरुस्त करने में सफल रहता हूँ कि असफल रहता हूँ। आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें। अगर आप लोग गाइस हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसको मैं खोल दिया हूँ। अब मैं इसको निकालने वाला हूँ कि क्या रिज़ल्ट है इसका। तो दोस्तों, आप लोग देखते रहें। तरीके से उल्टा के खोल लेंगे आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये खोल दिया और इसके अंदर का कॉइल मैं देख रहा हूँ कि क्या रिज़ल्ट है। क्योंकि इसको मैं दोस्तों, तो ये लग रहा है कि इस जगह ही दिक्कत है। दोस्तों, इसमें लाइन देकर देखता हूँ कहाँ पर क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों, देख लीजिए, इस जगह लाइट आ रहा है और इस जगह लाइट नहीं आ रहा। दोस्तों, तो इस जगह फॉल्ट है। इसको आप यहाँ से उठा कर इस पर इतना दूर आप चढ़ा दोगे तो इस पर भी लाइट आ जाएगा। दोस्तों, तो मैं इसको बना रहा हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट आ रहा है। तो दोस्तों, इसको मैंने चढ़ा दिया है। अब इस तरीके से इसका जो कवर है दोस्तों, बिल्कुल प्यार से आपको रख देना है ये हॉल देख करके। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, और यहाँ पर थोड़ा सा चटका हुआ था, इसका एक टुकड़ा है, इसको PVC प्लास्टिक बोला जाता है दोस्तों। तो इसको इस तरीके से रख देना है दोस्तों। तो दोस्तों, देख लीजिए, मैं इसको आप फिर कसने जा रहा हूँ। इस तरीके से आराम से आपको बैठा देना है दोस्तों, फिर आपको इसको ऐसे पलट देना है। ये कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप टेलर मास्टर भी हैं तो आप भी कर सकते हैं। अननोन आदमी कोई भी ये काम आप आराम से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा आप नॉलेज लगाइए और हमारा वीडियो देख करके तो आप कम्प्लीटली बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर आपके पास कॉइल नहीं हो, इमरजेंसी में कॉइल सारा जगह नहीं जलता है, कहीं पर थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है, तो उस फोल्ड को उसके ऊपर उठा के फिर हल्का अंदर घुसा के आप बैठा सकते हैं, तो आपका काम 6 महीना 2 महीना इतना तो चल ही जाएगा। तो मैं अब इसको देखूँगा टाइट करने के बाद क्या रिजल्ट है इसका। मैं इसको अच्छे से टाइट कर दूं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि ये जितना भी कॉइल वाली प्रेस होती है उसमें ये होगा, और एक और भी प्रेस आती है जिसमें वो अल्मीनियम के बीट के अंदर वो कॉइल होता है दोस्तों, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका तो बीट लगाना ही पड़ेगा। वो अलग से आता है, वो नॉर्मल आदमी का भी नहीं है, वो आप लोग नहीं लगा सकते। वो अगर लगाएगा तो मिस्त्री ही लगाएगा, या मिस्त्री का जैसा माइंड है आपका तो आप लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि इसका क्या प्रेस है, और मैं आपको मोमबत्ती लगा करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि प्रेस से पता तो नहीं चलेगा कि ये प्रेस हीट हुआ है कि नहीं। लगाएंगे जब ही दिखेगा, मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका मैंने लाइट लगा दिया है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल कम्प्लीट सही हो रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती में सटाऊँगा तो ये गलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये गलना शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीका से मोमबत्ती ये गलना शुरू हो गया दोस्तों। देख लीजिए, पानी बन के चूभ गया दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।